नमस्कार। खबर भारत के खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी, अलग अलग क्षेत्रों की, आपको सीधे वहां से रूबरू कराते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं, अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ लाइव जुड़ते हैं और वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं। और हम आज सबसे पहले बात करेंगे गाडरवारा की, जहां से विनोद चौक से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अगर हम दिन भर की बात करें आज की, तो क्या कुछ गतिविधियां होंगी दिन भर की? जी, मैं गतिविधियों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आज जो जिला कलेक्टर है रोहित सिंह जी द्वारा एक मीटिंग रखी गई है, यहाँ जो नगर पालिका है, नगर परिषद है और कर्मचारियों की बैठक रखी गई है नरसिंहपुर में। सभी कर्मचारी वहां पर गए हुए हैं और सभी जो व्यवस्थाएं हैं, नगर परिषद हो या जनपद पंचायत हो, सभी जो स्वास्थ्य विभाग हो, सभी पर एक बड़ी नजर है कि आखिरकार मतलब दिलाया जाए बालिका। इस हफ्ते में बहुत तेज बारिश, जगह जगह पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं, नागरिक परेशान थे। इन्हीं सब व्यवस्थाओं के लिए गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत काम किया जा रहा है। मैं आपको बता दूँ, पिछली जो नगर परिषद है पिछली नगर परिषद एक बड़ा मामला सामने आया है। यहाँ पर नगर परिषद चिट्ठी द्वारा यहाँ पर तालाब व्यवस्था के लिए बनाया जा रहा था, लेकिन वहाँ पर पूरा काम नहीं किया गया है। उनके पूरा काम न करने के कारण वहाँ पर बड़ी संख्या में पानी भरा गया है। किसानों की जो जमीन है उससे उनकी जो धान की खेती है वो खराब हो गई है। उसको लेकर जो किसान है, किसानों ने गाडावाड़ा एटीएम कृषि जयंत देशमुख को भी एक ज्ञापन सौंपा है। एक एनटीपीसी को लेकर भी विकासखंड में किसान नाराज थे, क्योंकि एनटीपीसी गाडावाड़ा में बंद हो गई है लेकिन उनको काम नहीं मिला है। काम न मिलने पर एनटीपीसी जो यानी छिछली विकासखंड के नागरिक थे, सभी ने कल एटीएम कृषि जयंत देशमुख को ज्ञापन दिया है कि हमारी 11 सूत्री मांग है, हमारी मांग अगर नहीं पूरी की जाती है तो हम आने वाले दिनों में फिर बड़ा धरना गाड़ावाड़ा तहसील में देंगे। और हम आपको बता दें, किसान सभा किसान सभा द्वारा भी गाड़ावाड़ा एटीएम सृष्टि जयंत देशमुख को एक ज्ञापन किया गया। जी बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से लगातार जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है, तो इसके चलते कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पानी भरा रहता है उसके चलते कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं, मच्छर वगैरह ज़्यादा बड़ी संख्या में बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते बीमारियों का खतरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जी जी, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि नगर पालिका हो या ग्राम पंचायत हो, नगर पालिका में जितने भी सीएम और नए जो पार्षद जीतते आए हैं उन्होंने जो छिड़काव है, दवाई छिड़काव की मांग, चाहे नगर पालिका गाडरावाड़ा हो, चाहे नगर परिषद चिचली, नगर परिषद साईकड़ा, नगर परिषद सालीचौका, सभी जगह मांग रखी गई है हो, जिससे ये मौसमी जो मच्छर होते हैं वो ना पनप पाए। जो साईकड़ा है, यहाँ के जो मुख्य कार्यपाल अधिकारी श्री आयुष अग्रवाल द्वारा भी दिशा निर्देश सभी ग्राम पंचायतों में दिए गए हैं सरपंच और सचिवों को कि अपने अपने ग्रामों में मौसमी जो बीमारी चल रही है, आप भी अपनी ग्राम पंचायतों में पावर छिड़काव कराएं। इसके लिए पहल जारी हो गई है। बिल्कुल विनोद, लगातार बीमारियां तो बढ़ ही रही हैं, मौसम भी लगातार हम देख पा रहे हैं जिस तरीके से अभी कई जिलों में अभी भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है मौसम विभाग ने, अभी भी बारिश जारी रहेगी। लेकिन अगर हम यही बात करें राजनीति के क्षेत्र में, तो किस तरह की हलचल आप देख पा रहे हैं राजनीति के? मैं आपको बताऊँ, जहाँ पर 3 जिलों के नेता है उस कार्यक्रम, चाहे होशंगाबाद जिला की बात कर लें, चाहे रायसेन जिला की हम बात कर लें, या नरसिंहपुर जिला की हम बात कर लें। किरार समाज एक बहुत बड़ा समाज है, जो मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की किरार समाज से आते हैं। किरार समाज की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवराज सिंह जो साधना सिंह की चौहान है, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। कल एक बड़ा कार्यक्रम गाड़ावाड़ा जवाहर कृषि मंडी में हुआ था, जहाँ पर बड़ी संख्या में किसान भी जुड़े थे, नेता भी जुड़े थे और बड़ी संख्या में किरार समाज के राजनीतिक नेता भी जुड़े थे, जहाँ पर गाड़ावाड़ा विधानसभा की श्रीमती
गाड़ावारा विधानसभा की जो विधायक है श्रीमती सुनीता पटेल, उस कार्यक्रम में शामिल हुई। नगर पालिका के जो नए भाजपा के अध्यक्ष है शिवकांत मिश्रा भी उस कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और नए अध्यक्ष, नए पार्षद, सभी नगर पालिका, नगर पंचायत, जनपद पंचायत, जनपद सदस्य और ग्राम पंचायतों में नई पैनल के साथ सभी अपना पहाड़ समाप्त किया है। चारों तरफ चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा के नेता हो, राजनीति का हलचल तेज हो गई है और समीकरण राजनीति की तेज चल रहे हैं, क्योंकि साल भर बाद चुनाव आएंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस और भाजपा अपनी मजबूती के लिए तार गाड़ावाड़ा तहसील में करते नजर आ रही है। विनोद, आपने किसानों की बात की है, जिस तरीके से आपने बताया कि बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे, किसानों की जो समस्याएं हैं क्या उनका निराकरण हो पा रहा है? जिस तरीके से लगातार हम देख पा रहे हैं किसान खाद के लिए परेशान नजर आ रहे हैं, लगातार किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पा रही है, तो किस तरह, क्या अभी भी उन्हें ये समस्या है या इसका निराकरण किया गया? यहाँ मैं आपको गाड़ावाड़ा और नरसिंह पर हमेशा किसान संगठन बड़े बड़े कार्य करते हैं, मांग करते हैं, लेकिन किसानों की मांग यहाँ नहीं की जाती है। आप हम आपको बताना चाह रहे हैं कि मूंग खरीदी में भी बहुत लेट यहाँ पर खरीदी का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, बड़े देरी से किसानों की, लेकिन किसानों की, क्योंकि चलिए विनोद मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। हमारे साथ ब्यूरो चीफ भी जुड़ चुके हैं बालाघाट से, श्याम सूर्यवंशी, तो हम बालाघाट की ओर रुक कर लेते हैं। श्याम, किस तरह की तस्वीरें वहां से आप देख पा रहे हैं, दिन भर की क्या कुछ गतिविधियां होंगी, कौन कौन सी हलचल आज देखने को मिलेगी बालाघाट में? जी, जैसे कि बता दें कि भारी बारिश के बाद अब उबरता नजर आ रहा है बालाघाट, लेकिन उसके साथ बीमारी भी अपना पैर पसार रही है। अगर हम बात करें नगर पालिका क्षेत्र की, शहर की, तो यहाँ पे गंदगी का जो अंबार है, हम आए दिन इस मुद्दे को लेकर उठाते हैं, लेकिन प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। अभी मैं इस वक्त जहाँ पे खड़ा हूँ, ये वो जगह है जो बस स्टैंड से लगा हुआ है और बस स्टैंड के जस्ट पीछे नगर पालिका लगा हुआ है। यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जहाँ ये रैन बसेरा, जहाँ पे लोगों को, मुसाफिरों को रात में रुकने के लिए एक कम दामों पर एक अच्छी व्यवस्था दी जानी चाहिए थी, लेकिन यहाँ के हालात ऐसे हैं। आपको दिखाना चाहूँगा कैमरामैन से कि दिखाइए आप गंदगी, ये देखिए, ये रैन बसेरे के पास में गंदगी का अंबार, ऐसी गंदगी है, ऐसा लगता है मान लो ये कचरा घर है, रैन बसेरा की जगह ये कचरा घर दिखाई देता है। ये पूरा प्रांगण जो देख रहे हैं आप, रैन बसेरा है बालाघाट का। अगर इसी के जस्ट पीछे बात करें तो बस स्टैंड है और उसके पीछे नगर पालिका है। जब यहाँ से महज कुछ कदमों की दूरी पर नगर पालिका अगर सफाई नहीं कर पा रही है तो पूरे शहर के क्या आलम होंगे, ये आप साफ अंदाजा लगाया जा सकता है। ये देखिए, ये मुख्य मार्ग है, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये रानी अवंतीबाई चौक दिख रहा है सामने में, बस स्टैंड लगा हुआ और ये गंदगी का अंबार। आखिर नगर पालिका में जो मटसेनिया जी हैं, जो CMO हैं, काफी लंबे समय से यहाँ पर हैं और उसके बावजूद भी यहाँ पे स्वच्छता के आलम है। जब प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति हिंदुस्तान में झाड़ू लगाते नजर आते हैं कि कहीं ना कहीं हम स्वच्छता को बेहतर बना सकें, तस्वीर को साफ देखी जा सके, लेकिन उसका असर बालाघाट में नहीं दिखता है। बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। हम पूरे ज़िले की क्या बात करें, जब नगर निगम में ही इस तरह का अंबार लगा हुआ है और देखा जाए तो जिस तरीके से वहाँ पर गंदगी फैली हुई है, कहीं ना कहीं बीमारियों को आमंत्रित कर रही है, और इसके बाद भी प्रशासन अगर मुस्तैद नहीं है तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है प्रशासन की। जिस तरीके से स्वास्थ्य के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है सरकार, अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए जगह जगह अस्पताल खोले जा रहे हैं, अच्छी सुविधा देने की बात की जा रही है, अच्छी चिकित्सीय सुविधा दी जाए, लेकिन अगर इस तरह का अंबार लगा रहेगा तो जो मरीज है लगातार बढ़ेंगे ही, अस्पतालों की स्थिति सुधर नहीं सकती है। श्याम, पहले हम बात करें दीपा कारी जो यहाँ पे कलेक्टर थे, उन्होंने यहाँ पे स्वास्थ्य की व्यवस्था काफी अच्छी, यहाँ पे जो जिला हॉस्पिटल है उसकी काफी अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन
क्या वो मरीजों को भरने के लिए रखा गया है, ये सोचने की बात है। अगर सफाई के यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया और उसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर जो मरीज हैं उसकी काफी बड़ी मात्रा यहाँ पे देखी जा रही है जनसंख्या। मेरे जस्ट पीछे यहाँ पे जिला हॉस्पिटल है जहाँ पर हम जब जाते हैं तो देख रहे हैं कि आज लाइन लगाकर लोग वहाँ पे खड़े हैं इलाज के लिए। ऐसे में नगर पालिका को कहीं ना कहीं गंभीर होने की जरूरत है। आज हम बात कर रहे हैं शहर के मुख्य चौराहे पर जहाँ पे शिक्षित वर्ग रहता है वैसी जगह में भी गंदगी देखी जा रही है। अगर जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान ने आज तिरंगा यात्रा निकाला, कोरोना के समय में जागरूकता दिखाई, वैसी जागरूकता अब बालाघाट के नागरिकों को भी दिखानी पड़ेगी। अब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नगर पालिका जो है वो स्वच्छता पे जो कार्य करना चाहिए था वो कहीं ना कहीं फेल नजर होती हुई आ रही है और बालाघाट के आम आदमी को अब इसको गंभीरता से लेते हुए जो स्वच्छता है उसके अपने हाथों में लेने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप श्याम। जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, जो आपने बताया कि यहाँ पर रैन बसेरा है, अस्पताल नजदीक है, नगर निगम नजदीक है, मैन चौराहा है ये बालाघाट का, लेकिन इसके बाद भी इस तरह की गंदगी लगी हुई है। अगर जब मैन चौराहे में इस तरह की गंदगी है तो छोटी मोटी गलियों की फिर क्या स्थिति होगी, हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं। और जो हमारे दर्शक देख रहे हैं सीधी तस्वीरें तो वो भी अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से बालाघाट में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और नगर निगम को इस चीज की जानकारी है लेकिन इसके बाद भी इसकी साफ सफाई नहीं कराई जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब जो आम लोग हैं, जो जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होनी चाहिए थी, अब लगता है कि आम लोगों को अपनी जो स्वच्छता है खुद रखनी पड़ेगी और खुद ही ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जी, अगर शहर के बीचों बीच चाहे मार्केट की बात कर लूँ या हॉस्पिटल, कहीं पे भी डस्टबिन नहीं दिखाई देता है या कहीं पे भी जहाँ कचरा घर होना चाहिए था वो दिखाई नहीं देता। आखिर आम आदमी भी कचरा फेंके तो कहाँ फेंके, मुसाफिर कचरा चलते चलते में फेंके तो कहाँ फेंके, यह भी सोचने का विषय है। पूरी रोड यहाँ पे खाली दिखेगी लेकिन डस्टबिन नहीं दिखेगा। अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति में किसी को केला खा के छिलका फेंकना है या कचरा फेंकना है तो कहाँ फेंके, उसी का परिणाम है कि आज ये बाजू में आप देख रहे हैं कि ऐसे ढग यहाँ पे पूरे शहरों में दिखाई देता है। बिल्कुल ये बोल सकते हैं श्याम कि जो नगर निगम है बिल्कुल असफल नजर आ रही है, जिस तरीके से ये अंबार लगा हुआ है। श्याम, हम गाडरवारा की ओर रुख कर लेते हैं, विनोद चौक से भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि क्या गाडरवारा में इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। विनोद, क्या गाडरवारा में भी इस तरह की स्थिति है, क्या गंदगी का अंबार लगा हुआ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं बालाघाट की तस्वीरें जो श्याम ने हमें दिखाई वहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो क्या गाडरवारा में भी इस तरह की तस्वीरें हैं? हॉस्पिटल चलते हैं। विनोद, आपकी आवाज दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है। हेलो हेलो जी विनोद। हेलो, क्या जी आवाज आ रही विनोद? हाँ आ रही। मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो गाड़ावारा एटीएम है उनके द्वारा लगातार स्वच्छता के लिए महीनों से काम किया जा रहा है यहाँ पर गाड़ावारा नगर पालिका में। उसका परिणाम ये आया था के लिए भोपाल में एक आवाज विनोद आपकी जो आवाज है ना वो दर्शकों तक पहुंच नहीं पा रही है, तो मैं चाहूंगी आपसे अनुरोध मेरा कि जी हेलो जी विनोद, मैं आपको बताना बड़ा की आइडिया में द्वारा लगातार महीनों से उसका परिणाम नगर पालिका को आवाज द्वारा लगातार बंद किया जा सकती है। इतनी महत्वपूर्ण आए हैं उनके द्वारा भी स्वच्छता के लिए कार्य किया जा रहा है। नगर पालिका में स्वच्छता का एक बड़ा संदेश नगर पालिका में देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, मगर जिस तरीके से हम देखें कि बालाघाट में जहां एक और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो वहां का नगर निगम है वो निष्क्रिय नजर आ रहा है, तो वहीं अगर हम बात करें गाडरवारा की तो नगर निगम मुस्तैद नजर आ रहा है, जिसके चलते पूरे कहना चाहिए गाडरवारा में स्वच्छता देखी जा रही है। जी मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि जब तक अधिकारी इसमें पहल नहीं करेंगे, अधिकारी अगर पहल कर नेता भी पहल करते हैं, जैसे कि हर घर तिरंगा झंडा जो अभियान था, जिला के कलेक्टर मध्य प्रदेश में पहले कलेक्टर थे जिन्होंने एक तेज अभियान चलाते हुए नरसिंहपुर जिला में रोहित सिंह जी ने एक बड़ा अभियान चलाते हुए पहला कार्य वो खुद करते थे,
फिर उसके बाद नागरिकों से वो अपील करते थे। यही एक कार्य कराने का तरीका होता है। इसी तरह स्वच्छता के लिए भी उन्होंने कार्य किया। उसके बाद जो गाड़ावाड़ा एटीएम है, सेवेंटी जयंत जी ने भी एक स्वच्छता के लिए संदेश दिया। उसका परिणाम यह आया कि चाहे राजनीतिक नेता हो, चाहे पार्षद हो, चाहे कर्मचारी हो, सभी स्वच्छता के लिए कार्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से यहाँ पर स्वच्छता देखने को मिल रही है, हम शाम से भी जान लेते हैं। जिस तरीके से आपने कहा कि उच्च अधिकारियों की बड़ी जिम्मेदारी होती है, जिसके बाद ही इसे पूरे मतलब इलाके में स्वच्छता देखी जा सकती है, क्योंकि अगर अधिकारी ही सजग नहीं होंगे तो फिर आम जनता को फिर कैसे सजग करेंगे वो। तो हमारे साथ श्याम भी बने हुए हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि वहाँ पर क्या अधिकारी सक्रिय नहीं है, क्या जो अधिकारी हैं उनके संज्ञान में नहीं है बात लगता हमारे। तब तक मैं एक बात और आपसे पूछ लेती हूँ विनोद, अगर हम शिक्षा की बात करें, जिस तरीके से शिक्षा को हम देखें कि लगातार कहीं ना कहीं शिक्षा प्रभावित हो रही है, चाहे पानी के कारण, बारिश के कारण देखें या कोरोना के कारण, मतलब लगातार अगर शिक्षा की बात की जाए तो लगातार बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आ रही है। तो किस तरह की स्थिति गाडरवारा में? जी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव, यहाँ पर जो शिक्षा अधिकारी है जे एस मिशन द्वारा लगातार तहसील विकास खंड हो चाहे साइंकला विकास खंड हो, सभी विद्यालयों में वो जाकर एक इसी के तहत शिक्षा विभाग में भी जो कोविड 19 के तहत जो महा वैक्सीनेशन अभियान चला था, उसके द्वारा जो टिटनेस है, जो बीमारी है, उसके तहत जो टीकाकरण भी यहाँ विद्यालयों में देखने को मिला है, जिससे जो वायरस जो मौसमी वायरस है और कोविड 19 के लिए जो वायरस चल रहे हैं वो वायरस विद्यार्थियों तक ना पहुंच पाए। एक साल से लेकर जो पांचवी तक के जो विद्यार्थी हैं, तो 10 साल से 16 साल के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए यह टीकाकरण गाड़ावाड़ा तहसील के अंतर्गत जो विद्यालय है उनमें चल रहा है। जी बिल्कुल विनोद, आज देखा जाए तो जो घरेलू उत्पाद हैं उसको लेकर प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जा रहा है राजधानी भोपाल में। अगर हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो किस तरह की तस्वीर है गाडरवारा से? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की जिस तरीके से हम बात करते हैं, चलिए विनोद हमारे साथ श्याम जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से हम अधिकारियों की बात कर रहे थे तो हम श्याम से जान लेते हैं। श्याम, जिस तरीके से हम अधिकारियों की बात कर रहे थे, जिस तरह से स्वच्छता की बात हम कर रहे थे, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहीं अगर हम दूसरी तस्वीर हमने देखी गाडरवारा से, जहां पर स्वच्छता का एक कहना चाहिए अच्छी पहल देखने को मिल रही है स्वच्छता को लेकर, जहां के जो अधिकारी हैं नगर निगम के वो सक्रिय नजर आ रहे हैं, अगर नगर निगम के अधिकारी सक्रिय नहीं है तो इसके ऊपर जो बैठे हुए हैं उच्च अधिकारी, क्या उनके संज्ञान में मामला नहीं है जिसके कारण इस तरह के गंदगी का अंबार लगा हुआ है? अगर मैं बात कर दूं, अगर ये दूर दराज की बात होती तो अपन मान सकते थे कि जो उच्च अधिकारी उनको पता ना हो, लेकिन ये जिला मुख्यालय के प्रमुख चौकों की बात बता रहा हूँ मैं आपको। जो अवंती बाई चौक है, बस स्टैंड से लगा हुआ रैन बसेरा है, वहाँ की संपूर्ण जवाबदारी जिला प्रशासन की होती है। रैन बसेरा में क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था नहीं है, इसकी संपूर्ण जवाबदारी यहाँ के जिला अधिकारी की होनी चाहिए। ताज्जुब की बात यह है कि उसके बावजूद भी यहाँ पे गंदगी का अंबार है। मेरे पीछे ये शासकीय हॉस्पिटल देख रहे हैं, ये देखिए इतने लोग हर समय यहाँ पे दिखाई देंगे, जो पर्ची कटवाते हैं यहाँ पर आकर अभी इलाज के लिए यहाँ पे लाइन लगा के खड़े हुए हैं। बिल्कुल श्याम, हमारे साथ सुनील तिवारी भी जुड़े हुए हैं बिरसिंहपुर से, तो बिरसिंहपुर की तस्वीर भी हम देख लेते हैं वहां से। सुनील, किस तरह की तस्वीरें अगर हम स्वच्छता की बात करें, जिस तरीके से बालाघाट में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वहां का जो नगर निगम है निष्क्रिय नजर आ रहा है, हम बिरसिंहपुर की बात करें तो किस तरह की तस्वीरें स्वच्छता को लेकर आप देख पा रहे हैं? मुझे लगता है कि बिरसिंहपुर की अगर स्वच्छता की अपन बात करें तो बिरसिंहपुर में इस समय बेहतर स्वच्छता व्यवस्था अधिकतर रहती है, क्योंकि जो वर्तमान नगर परिषद सेवो है शैलेंद्र ओझा आए हैं, क्योंकि पूर्व सेवो के कार्यकाल में कई बार अव्यवस्थाएं देखने को मिलती थी, और हालांकि अधिकतर प्रयास करते थे पूर्व सेवो भी जो थे स्वच्छता में जो है तो उन्होंने गंभीरता बरती है, लगातार सफाई होती रही है। मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले बड़े सुबह सफाई हो जाती है, पूरे नगर की सफाई होती है और फिर एक बार शाम को सफाई होती है। व्यापारी वर्ग थोड़ा सा ऐसा करता है कि जब दुकानें बंद करता है तो दुकानें बंद करने के बाद अपने पूरे घर का कचरा जो है तो बाहर फेंकता है। मुझे लगता है नगर निगम नगर परिषद को एक संजीदगी बरतना चाहिए कि उन पर कार्रवाई करना चाहिए और नोटिस भेजना चाहिए, शायद उससे इसमें कमी आएगी जो अस्वच्छता करते हैं। हालांकि जो स्वच्छता की स्थिति बेहतर है मुझे लगता है नगर परिषद में, अभी अपन बहुत गलत गंदा नहीं कह सकते, पर सबसे बड़ी जो समस्या मैं आपको बता दूं, यहाँ
शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है, तीसरा बिजली की बहुत ज्यादा समस्या है। शिक्षा के बारे में अगर मैं आपको बात करूं तो कल पूरे प्रदेश लेवल की एक खबर बनी थी, पूरे मध्य प्रदेश में ये चर्चा का विषय बना था, पूरे सतना जिला में तो बना ही था। मैं आपको बता दूं, यहाँ गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है बिरसिंहपुर में, 12वीं तक है, वहाँ 1300 बच्चियां हैं। मैंने बड़ी बड़ा विषय यह है कि 1300 बच्चियां हैं और 1300 बच्चियां मात्र 9 कमरे में पढ़ाई कर रही। ये बड़ा विषय है मुझे लगता है पूरे प्रदेश के लिए। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए बाकायदा धनराशि भी आई थी और बिल्डिंग बनने के लिए आई थी, पर माफियाओं ने जो है बड़ा षड्यंत्र किया और उस जमीन के मामले को लेकर के न्यायालय चले गए। जब मामला न्यायालय गया तो चूंकि न्यायालय में टिकट गया और अब बच्चियों को पढ़ने के लिए वहां बैठने के लिए जगह तक नहीं है। इसी बात को लेकर के कल बच्चियों ने बड़ा हंगामा भी किया था, उन्होंने तालाबंदी कर दी थी और तालाबंदी करने के बाद गेट में ताला लगाने के बाद बाहर बैठ गए थे। जो शिक्षक अंदर थे, जो छात्राएं अंदर थी, तो वो अंदर रह गई, जो बाहर थे वो बाहर से किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। बाद में वहां के जो बिरसिंहपुर तहसीलदार है सुमित गुर्जर, वो मौके पर भी गए और समझाई थी, हालांकि उन्होंने माना नहीं। बाद में वहां के नगर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और वहां के जो पार्षदगण है वो भी आ गए और उनके उसमें उनके आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तो ये लगातार चर्चा का विषय बना रहे और लगातार मैंने दोपहर से 11 बजे से ये आंदोलन शुरू हुआ लड़कियों का, तो ये 2 बजे तक चलता रहा। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी समस्या है इस समय गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की, जो विद्यालय मिलना चाहिए और बनना चाहिए। दूसरा मैं आपको बता दूं, यहाँ चिकित्सा की बहुत जानकर समस्या। अगर कोई भी बीमार व्यक्ति रात को पहुंच जाता है तो वहाँ किसी को इलाज नहीं मिल पाता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसिंहपुर, यहाँ इसके पहले जो डॉक्टर थे 150 से 200 ओपीडी होती थी, पर आज की हालात ये है कि वहाँ मरीज डरते हैं जाने में, वहाँ किसी को इलाज नहीं मिल पाता, ये जमकर समस्या बनी हुई है। और तीसरी समस्या जो मैं आपको बताऊंगा, अगर जी सुनील, जिस तरीके से भी आपने बताया कि जो नगर निगम है वो सक्रिय है, स्वच्छता बनी हुई है, मुझे लगता है कि यहाँ पर बीमारियां कम होनी चाहिए और जो कहना चाहिए स्वास्थ्य सुविधाएं की जो आप बात कर रहे हैं वहां पर अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीमारियां तो कम होनी ही चाहिए, इसके साथ साथ अच्छी व्यवस्था भी अस्पतालों में होनी चाहिए, जो शायद तो वहां का जो प्रशासन है वो इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। और जिस तरीके से शिक्षा की आपने बात की है, कल भी इस मामले को गंभीरता से खबर भारत ने दिखाया था, हालांकि हमारे जो हमारी टीम है लगातार कोशिश कर रही थी कलेक्टर से जोड़ने की, लेकिन कहीं ना कहीं कलेक्टर पूरे मामले से बचते नजर आ रहे थे। कोशिश की हमारी टीम ने जानने की, और हालांकि कल भी देखा जो इस तरीके से जो छात्राएं हैं प्रदर्शन कर रही थी, तो उस प्रदर्शन के बाद किस तरह का एक्शन लिया गया? देखिए, छात्राएं लगातार प्रदर्शन करती रही, जब कोई नहीं आया, बाद में तहसीलदार जो यहाँ के हैं सुमित गुर्जर, वो पहुंचे मौके पर, उनको समझाने का प्रयास किए। धर्मेंद्र गुप्ता जो प्राचार्य हैं कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल के, वो लगातार समझाते रहे, पर बच्चे बात मानने को तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जिले से जब तक कोई बड़ा शिक्षा अधिकारी नहीं आएगा, जब तक आश्वासन नहीं देगा कि इसका शिलान्यास हम बहुत जल्द करेंगे, तब तक हम मानेंगे नहीं। हालांकि बाद में नगर अध्यक्ष जो है, पूर्व नगर अध्यक्ष धनीराम प्रजापति है, वर्तमान अध्यक्ष पति भी है, वो उनकी पत्नी है वर्तमान में राजकुमारी, वो भी आई और उनके पति भी आए, और यहाँ जो उपाध्यक्ष है उनकी पत्नी है मजीद खान, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष भी रहे हैं, वो भी मौके पर पहुंचे और लगभग पूरे पार्षद भी पहुंच गए थे, और उनमें भी उनके साथ जो है तो लड़कियों के साथ धरने पर बैठ गए, और उन्होंने भी ये मांग की कि जब तक जो है तो शिलान्यास नहीं हो जाता, जब तक बिल्डिंग के लिए जो है तो ऊपर से आदेश नहीं आ जाता, तब तक हम अनशन करेंगे। हालांकि बाद में अधिकारी कर्मचारियों की समझाइश के बाद थाना प्रभारी एसपीएस चंदेल से उन्होंने समझाइश दी और उन्होंने कहा हम सब बातचीत करेंगे और 15 दिन का मौका दिया है, वहाँ के जो लोग हैं उनने भी मौका दिया है कि 15 दिन के अंदर अगर कोई भी कार्रवाई नहीं होती तो हम पुनः जो है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए बैठ जाएंगे और अनिश्चितकालीन धरना देंगे। बिल्कुल सुनील, मैं आपसे चर्चा करूंगी जी, सुनील मैं इस मामले पर आपसे चर्चा करूंगी इसको लेकर। हमारे साथ श्याम भी जुड़े हुए हैं, तो हम बालाघाट की तस्वीरें देख लेते हैं। श्याम, जिस तरीके से आपने देखा कि सुनील हमें बता रहे थे बिरसिंहपुर की तस्वीरें स्कूलों की, कि वहां के जो स्कूल हैं वो पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है, और हम कल की बात करें तो परसों रात में अगर देखा जाए तो जो सीलिंग फैन है वो छात्राओं के ऊपर गिर गया। हालांकि गनीमत रही कि कोई घटना नहीं घटी है, लेकिन क्या अगर हम बालाघाट की बात करें तो वहां के स्कूलों की बात करें तो क्या इस तरह की स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? वहां के स्कूल क्या जर्जर अवस्था में नजर आ रहे हैं? जी, आपको बता दूं कि यहाँ पे भी जो शासकीय हॉस्टल हैं, छात्रावास हैं, वहाँ की भी स्थिति बहुत दयनीय है। जब कोरोना काल के 2 साल की बात करते हैं तो उस समय में जो फंड होना चाहिए, जो मरम्मत कार्यों के लिए आता है,
वो नहीं मिला। जब तीसरे सत्र में अभी जब सत्र चालू है उस समय में जो उनको फंड मिलना चाहिए था वो फंड नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मरम्मत की कमी के कारण जो जर्जर की स्थिति है वो बालाघाट में भी देखने मिल रही है और यहाँ पर मलेरिया काफी पैर पसार रहा है, उसके बावजूद भी मच्छरदानी अभी तक बच्चों तक की नहीं पहुंच पाई है। चलिए हम विनोद से भी जान लेते हैं स्कूलों की तस्वीरें किस तरह से गाडरवारा में देखने को मिल रही हैं। विनोद, आपने देखा जो हमारे साथ जुड़े हुए थे सुनील, उन्होंने बताया वहां की तस्वीरें उन्होंने बताई। अगर मैं गाडरवारा की बात करूं तो गाडरवारा में किस तरह की तस्वीरें आप स्कूल की देख पा रहे हैं, क्या वहां के स्कूल भी इस तरह की दयनीय स्थिति में है, जर्जर हालत में है? विनोद, आपकी आवाज दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही है। हेलो जी विनोद, वहां के स्कूलों की स्थिति किस तरह की है? मैं आपको बताना यही चाहती हूँ कि गाडरवारा तहसील के अंतर्गत जो दो विकास खंड है, चीजली विकास खंड है और साइकिल विकास खंड है, अभी कुछ दिनों से बरसात तो नहीं हुई लेकिन यहाँ पर कई विद्यालयों में पानी भर गया था अंदर, कई विद्यालयों में आने जाने के रास्ते नहीं थे, कई जगह पे जो नदियां आ गई, नाल सड़कें बनी है, स्कूली जो विद्यार्थी है बच्चे हैं गलत नहीं जा पाए और जो पुराने कक्ष बने हुए हैं वहां से विद्यालयों की बिल्डिंग से है पानी टपक रहा था, ऐसी कई बार मांग उठाई गई नए विद्यालय है यहाँ पर बनना चाहिए, तो पुरानी बिल्डिंग है उनको टूट कर नए विद्यालय बनना चाहिए, लेकिन हैरानी की बात ये होती है कि बार बार मांग तो हम कर देते हैं लेकिन शिक्षा विभाग भी इस पर ध्यान नहीं देता है। आखिरकार ये पुराने जो स्कूल बने रहते हैं जहाँ जो टूटने की स्थिति है उन स्कूलों पर जो बड़े अधिकारी है उनकी सवाल। अगर हम ये देखें विनोद, तो अगर कुल मिलाकर हम ये देखें तो सभी जिलों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं स्कूलों की हालत जर्जर बनी हुई है। जितनी योजनाएं स्कूलों के नाम पर निकाली जा रही हैं, करोड़ों रुपए सरकार खर्च कर रही है इन स्कूलों के नाम पर, लेकिन जमीनी हकीकत देखें तो आदेश भी निकाला जाता है, आदेश दिए भी जाते हैं, कार्य भी शुरू हो जाता है, लेकिन नहीं होता तो सिर्फ निर्माण, जस की तस स्थिति बनी रहती है और आश्वासन पे आश्वासन दिया जाता है लेकिन काम नहीं किया जाता, इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है लगातार स्कूलों में। मैं आखिरी क्वेश्चन रख लेती हूँ सुनील से। सुनील, जिस तरीके से आपने बताया था कि अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं कि काम कर लिया जाएगा और जो छात्राएं वो प्रदर्शन कर रही थी वो कह रही थी कि जब तक कोई उच्च अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचेंगे वो प्रदर्शन को बंद नहीं करेंगी, हालांकि अब आश्वासन दिया जा चुका है आपको, अगर ये आश्वासन के बाद भी यहां पर स्कूल का निर्माण नहीं किया जाता है, अगर नया स्कूल नहीं बनाया जाता, स्कूल भवन बनकर तैयार नहीं होता है, तो किस तरह का एक्शन छात्राओं के द्वारा लिया जाएगा? निश्चित तौर पर छात्राओं ने स्पष्ट कह दिया है कि अगर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती, अगर किसी प्रकार का जो है तो हमें किसी प्रकार से आश्वासन नहीं दिया जाता और हमें संतुष्ट नहीं हम होते तो हम अनिश्चितकालीन आगे बैठ जाएंगे और ताला लगा देंगे। इस बात की उपाध्यक्ष जो लगे और वहां के पार्षदों ने भी कर दिया है, उन्होंने भी कहा है कि हम छात्राओं के साथ मिलकर के ये लड़ाई लंबी लड़ेंगे। तो फर्स्ट चीज तो मैं आपको बता दूं, ये शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या तो बनी हुई है। मैं एक चर्चा और आपसे करना चाहूंगा, बिजली किस समस्या लगातार हमारे यहाँ बनी हुई है पूरे नगर बिरसिंहपुर में। मैं आपको बता दूं 85 गांव का जो है तो बिरसिंहपुर क्षेत्र है और 85 गांवों में जमकर के समस्या बनी हुई है। बिजली की स्थिति क्या है, हमारे साथ बिजली विभाग के एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पूर्व कर्मचारी थे और उनसे ही पूछ लेते हैं एक मिनट कि आखिर क्या हालात है बिजली के वर्तमान में, क्या कहेंगे क्या स्थिति है बिजली की? बिजली लगभग 6 महीने से हमारे 96 गांव कुल है, 85 गांव आप बता रहे हैं, 16 मजरा मिलाकर कम से कम 17 गांव, तो रात दिन कटौती, बरसात में यदि लाइन बंद रहती है सोचिए कैसे गुजरती होगी। एक मिनट आई दिन में वो ठेप कर गई, हम लोगों की बुवाई नहीं हो पा रही है, ट्रांसफार्मर लगभग क्षेत्र के आज की तारीख में एक सैकड़ा ट्रांसफार्मर जले हुए हैं और 25 से 30 ट्रांसफार्मर हो गए, ट्रांसफार्मर चोरी हुई रिपोर्ट नहीं है, उनके अवशेष पड़े हैं, आप जांच कर सकते हैं, देखवा सकते हैं, पर यहाँ का बिजली अमला जो है हिटलर शाही व्यवस्था पे, डीसी में न जेई है न एई है न लाइन मैन है, न एक भी बाबू नहीं है, खाली डीसी पड़ी हुई है और पूरा अस्त क्षेत्र पड़ा हुआ, लोग परेशान है, पानी मैं आज की तारीख में आप जांच कर रहे हैं। सुनील, अब मैं यहीं आपको रोकना चाहूंगी,
आप तीनों को यही धन्यवाद देना चाहूंगी मैं, आप तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे गाडरवारा से, बालाघाट से और बिरसिंहपुर से, जहां से आपने तस्वीरें देखी कि किस तरह की समस्याएं वहां पर लोगों को हैं। हमने बालाघाट की जो तस्वीर देखी वहां से गंदगी के अंबार की तस्वीरें नजर आई, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, वही नगर निगम है लेकिन उसके बाद भी निष्क्रिय नजर आ रहा है। वहीं बिरसिंहपुर की तस्वीरें देखी जहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर बड़ी लापरवाही नजर आ रही है, और हमने गाडरवारा की भी तस्वीरें देखी, वहां पर हालांकि नगर निगम का जो अमला है वो सक्रिय नजर आ रहा है जिसके चलते वहां पर स्वच्छता बनी हुई है। तो अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग जिलों से सीधी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं ये इस कार्यक्रम के माध्यम से। और अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, हम फिर दिखाएंगे आपको इसी कार्यक्रम में आगे की गतिविधियां। तब तक के लिए आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।